तो नमस्कार, मेरा नाम है मिथुन कुमार। अभी हम पहुंचे हुए हैं मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर माँ जानकी हॉस्पिटल में पहुंचे हुए हैं। आपको हम बता दें कि सुबह सुबह एक खबर आप लोग के पास मिली होगी, जिसमें ये बताया गया था कि मच्छी के निवासी ठेकेदार मनोज राय को गोली मारकर हत्या कर दिया गया है। जी हाँ, उस समय तो हत्या नहीं हो पाई थी, मतलब उस समय तो वो जीवित थे। जब गोली लगी तो एक गोली आर पार हो गया, यानी कि उनके शरीर से लगते हुए पार हो गया, और दूसरा गोली जो लगी उन्हीं के उनके शरीर में रह गई थी। तो उनको अच्छा ट्रीटमेंट के लिए ये माँ जानकी हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर में लाया गया, लेकिन यहाँ आते आते कुछ उपचार तो हुआ लेकिन डॉक्टर उनको बचा नहीं पाए। हम आपको बता दें कि मनोज राय का मौत हो गया है, जो ठेकेदार थे उनका मौत हो गया है। लेकिन जो अज्ञात लोग पर जो आरोप लग रही है कि जब वो एक मोटरसाइकिल से दो व्यक्ति आए और उसके बाद गोली मारे और मौके स्थल से वो फरार हो गए, लेकिन कुछ लोगों का है कि जब हम उनको देखेंगे तो पहचान जाएंगे, उनको चेहरा देखेंगे तो पहचान जाएंगे। और उनके सासू माँ और उनके आस पड़ोस की एक महिला के माध्यम से बताया गया है कि उनके पड़ोसी में, मतलब 11 तारीख के एक विवाद भी हुआ था, लेकिन कब कैसे क्या हुआ इसका पुष्टि मेरे तरफ से अभी नहीं किया जाएगा। क्या कुछ फिर से रिपोर्ट आता है हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन आइए क्या कुछ महिला बोली वो आपको हम सुना देते हैं। हम आए ना तो अथी माल जाल के बांध रहे थे, तो दो आदमी बाइक पर आए तो दोनों आदमी पोनकी में ठहरा थे, तो हम नहीं उनको नहीं पहचान रहे थे। तो माल जाल के बांधे गोबर उबर फेंके उस तरफ, जोन तरफ हम थे ना वही तरफ पेशाब कर रहे थे। तो फिर हम सोचे कि कौन है नहीं है, हम नहीं कुछ बोले, लेडीज़ लोग थे आए एगो बच्चा थे। हम फेंक उक के चल गए घर पर, घर पर से चोकर लेके आए तो चोकर सान के आ बच्चा खोल रहे गाय के, तो इनको देख रहे हैं मोबाइल से टहले आने आ रहे हैं। तो हम उनको ये नहीं कहे कि कोलकी में कोई आदमी है ऐसे, हम अंदर घुस गए मरई में गाय धोने के लिए, बच्चा खोल रहे थे। तालू पर में इनको ठाए ठाए दो गोली मार दिया और फिर बाइक पर असवार चल, बाइक से हाँ बाइक पहले से कोई विवाद भी था उसके। अभी तब गांव समाज में तो होबे करता है। अच्छा, कपड़ा उपड़ा कुछ देख लिए ओकरा, गाड़ी उड़ी के रंग कुछ देख ना? गाड़ी पर उतना ध्यान न दिए, लाल कलर के शर्ट है। चित्रों पर शक भी है क्या? नहीं, हम तो अब उनको घर के आदमी न जाने के, हम बगल के आदमी हैं। पूनम देवी घर के बगल के। हाँ, हम इतने देखे हैं, इकरा बाद कुछ नहीं देखे। की नाम होला आके? शीला देवी। आके दमाद रहले मनोज? हाँ। कैसे होले ये पता है? पहले किको से विवाद उबाद भी रहले? 11 तारीख के हमरा फोन आयल रहा जे झगड़ा भर दिन में भेल है खेत के चलते। केकरा से? अगल बगल के आदमी से। की नाम है अगल बगल के, जान छिए? ना, हम ई बात ना जानेले अगल बगल के आदमी कौन है से। तो हमारे बेटी फोन कैलक, कहलक जे गे माय से झगड़ा हियाँ होइ छै बहुते खेत के चलते। हम क्या, अच्छा तो खेत के चलते झगड़ा होइ छै तो सलेट लिए झगड़ा लड़ाई ना करै दिए। 11 तारीख के अहाँ सबके शक लगैन कि उठे सके काम? अब देखू, हमरा सबके तो बहुते पर शक है अब। हाँ, ना हम नाम कैसे अखनी बोल देबै, नाम अभी ना बोलते, घरे जबै समझल जेतै तब ना नाम बोलल जेतै। मेरा भाई नहीं है, मैं क्या बोलूँ आप लोग? क्या अभी तक जानकारी आपको? कुछ नहीं जानकारी है, मुझे इतना ही जानकारी है कि मेरे भाई का बहुत दुश्मन था, वो मेरे को बोलता था दीदी मुझे कब मार देगा कोई पता नहीं। दो के नाम बताइयो ना, तो नाम नहीं मुझे नहीं, मेरा भाई नाम ही नहीं बताया तो मैं नाम कैसे बताऊँ आपको? अच्छा, जिनका से झगड़ा उगड़ा है किसी नाम जाने? नहीं, मैं तो दिल्ली रहती हूँ, मैं तो अभी गाँव आ रखी थी, तो मेरा भाई मेरे घर आया तो बोला दीदी मैं कब मर जाऊँगा कोई पता नहीं। कहिया बताया लंडे ये बात? मेरे घर आया 20 तारीख को, मेरी बेटी का छेका था उस दिन मेरे घर आया। 11 तारीख को झगड़ा लड़ाई भी हुआ था बगल में पड़ोसी से? नहीं, ये बात मुझे नहीं बताया। 20 तारीख को मेरे घर आया तो। क्या नाम हुआ? मेरा नाम पार्वती। मनोजी के कौन हुए? बड़ी बहन हूँ मैं।